हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्टेक सेलेस में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आप अमेजोन एप्लीकेशन से शॉपिंग किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट आप कैसे परचेज करेंगे, आप उसको ईएमआई पे, कैश ऑन डिलीवरी, दोस्तों पेमेंट के सभी मेथड्स के बारे में आपको बताऊँगा। तो आप दोस्तों हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं आपको इस वीडियो में पूरे बारीकी से अच्छे से समझाऊँगा दोस्तों कि आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट आप बिल्कुल आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम अपने अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ परचेज करनी हो तो मैं उसको सबसे पहले सर्च कर लूँगा। जैसे अब दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च पे आने के बाद अब हमें जो भी चीज़ परचेज करनी होगी, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा, आप उसको यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे एक प्रिंटर परचेज करना, तो मैं यहाँ पर प्रिंटर का नाम सर्च कर लूँगा। यहाँ पर प्रिंटर नाम सर्च करूँगा, कैनन प्रिंटर। दोस्तों आप इसको देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मुझे यही एक प्रिंटर है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब देखेंगे आप, हमें यहाँ पे इस प्रोडक्ट की जो है कुछ हाईलाइट्स यहाँ पे शो करेंगे। आप यहाँ वीडियो देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं किस तरह से आपका प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगा। अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। अब देखिए, अब हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए उसको ख़रीदने से पहले दोस्तों उसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमें जान लेना है। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आऊँगा। आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंटर मेरा, यहाँ पे इसका यहाँ पे प्राइस दिखाई देगा। दोस्तों ये मेरा प्रिंटर है, 14,999 का यहाँ पर दाम है। और सेकेंड में देखेंगे हम प्रिंटर प्लस कलर इंक बॉटल। अब हमें प्रिंटर के साथ इसकी बॉटल्स भी चाहिए इंक वाली, तो मैं दोनों को अगर एक साथ खरीदूंगा तो मेरा यहाँ पे 16,495 दोस्तों मेरा जो है यहाँ पे टोटल प्राइस होगा। तो अगर आपको ओनली प्रिंटर लेना है मुझे, मैं यहाँ प्रिंटर वाले भी सिलेक्ट रहने दूंगा। अब मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आ जाऊँगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ईएमआई फ्रॉम 717 नो कास्ट ईएमआई अवेलेबल ईएमआई ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। हम यहाँ से भी अपने ईएमआई के सभी ऑप्शंस को देख सकते हैं, नहीं तो अगर हम इसको जब बुक करेंगे दोस्तों पेमेंट मेथड में जाएंगे वहाँ पे भी इसका ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं जैसे कि यहाँ पे ईएमआई ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ईएमआई के ऑप्शन में दोस्तों हमारे सामने ढेर सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि मैं, अगर आपके पास अमेजोन पे लेटर होगा तो आप अमेजोन पे लेटर पर क्लिक करेंगे, आपको जितनी लिमिट दी रही होगी दोस्तों उस तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर शो करेगा। उधर ईएमआई पर क्लिक करूँगा। अब जो है दोस्तों क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप ईएमआई पे परचेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बी ओनली नो कास्ट ईएमआई ऑप्शन, अगर हम इसको टिक करेंगे, देखिए हमारे सामने जो है इस तरह का एक ही क्रेडिट कार्ड आ रहा है यहाँ पे, अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। अगर हम हमारे पास ए कार्ड है, इस कार्ड से अगर हम सामान को परचेज करेंगे दोस्तों तो जितने की हमारी जो है प्रोडक्ट होगा उतना ही पेमेंट हमें डेबिट करना होगा, उतना ही हमारा पेमेंट यहाँ पर देना होगा। तो जैसे मैं दोस्तों इसको अनचेक करूँगा, अब देखेंगे अगर आपके पास और भी कई क्रेडिट कार्ड्स हैं, जैसे मेरे पास HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है तो मैं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करूँगा। अब हमारे सामने इस तरह EMI के सभी ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अपने प्रोडक्ट को अगर हम EMI में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, अब जो है अगर हम 3 महीने की EMI बनवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मुझे 3 महीने में हमारी पहली EMI जो है 5,134 रुपये की आएगी। अगर हम वही 6 महीने की बनवाते हैं तो हमारी 2,618 रुपये की आएगी। 9 महीने की बनवाएंगे 1,780 रुपये की आएगी। इसी तरह से दोस्तों हमें जितना हम इसका टर्म ज़्यादा लेंगे दोस्तों, 10 ईयर इसका ज़्यादा लेंगे उतना हमें पेमेंट कम आएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो है इंटरेस्ट इस पर बढ़ता चला जाएगा। अगर हम 3 महीने में लेंगे तो हमें टोटल प्राइस 15,401 रुपये देना होगा। अगर हम वही 6 महीने के लिए लेंगे तो हमें 15,707 रुपये देना होगा। 9 महीने के लेंगे दोस्तों, इसी तरह से हम जैसे ही इसका जो है पेइंग पीरियड अगर बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों हमें ज़्यादा पेमेंट यहाँ पे देना होगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप कोई भी सामान EMI पे परचेज करें दोस्तों तो आप जो है कम से कम ही उसमें जो है आप समय लीजिए, कम से कम आपको जो है 3 महीने 6 महीने में आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट क्लियर कर दो। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अब जैसे मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद मेरा प्रोडक्ट टोटल 15,000 का है दोस्तों। अब मैं नीचे की तरफ आऊँगा यहाँ पे, इस पर आने के बाद अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे टोटल प्राइस आ गया, फ्री डिलीवरी आ गया। इसमें आपको डिलीवरी डेट भी दिखाई देगा, आप जो इसमें एड्रेस है सेव किए रहेंगे उस एड्रेस को पिन कोड को दोस्तों ये जो है मैपिंग करके आपको दिखाता है डिलीवरी आपके एड्रेस पर कब तक की जा सकती है। तो
यहाँ पे दोस्तों मैं जो एड्रेस यहाँ पे डाला हूँ, देखिए मेरा यहाँ पे एड्रेस भी आ गया। अब इस एड्रेस पे मुझे इस प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है इसी डेट में मिल जाएगी। इस तरह से यहाँ पे हमारे एड्रेस को जो है दोस्तों फाइंड करके या मुझे टाइम को दिखाता है कि ये जो है इतने समय में आपको जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों इन सब को चेक करने के बाद अब हमें बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे हम। अब बाय नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का पेज आएगा, डायरेक्ट हमारा एड्रेस ही आ जाएगा। अगर आपका एड्रेस यहाँ पे शो नहीं हो दोस्तों तो आप उसको एड्रेस को यहाँ ऐड करेंगे। जैसे मेरा एक ए एड्रेस है और दूसरा ए नीचे एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे अगर एड्रेस आप में नहीं है तो आप उसको एड्रेस को किस तरह से ऐड करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऐड ए न्यू एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे हमारा एक कंट्री सेलेक्ट रहेगा, फुल नेम में अगर आपका नाम इसमें फिल होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपने एड्रेस का पिन कोड डालेंगे, कंपनी का या अपने विलेज या कस्बे का नाम डालेंगे, इसका लैंडमार्क में दोस्तों आप जो है अपने नियरेस्ट लैंडमार्क को फिल कर देंगे, सिटी या टाउन में भी आपने आसपास की किसी जगह को अपने गांव को भी इसमें फिल कर देंगे, एंड स्टेट में आपको अपना स्टेट डाल के यहाँ पे मेक दिस माई डिफ़ॉल्ट एड्रेस इस पर चेक कर देंगे। तो आप जब भी कोई भी सामान परचेज करेंगे आपके इसी एड्रेस पर डिलीवर होगी, और डिलीवर होने से पहले जब आप उसको बुक करेंगे अगर आप में दो या तीन एड्रेस आपने फिल किया हो तो आपको दोस्तों सभी ऑप्शंस में होंगे, लेकिन अगर आप मेक दिस डिफ़ॉल्ट एड्रेस पे सेव करेंगे आपका जो है सभी प्रोडक्ट इसी वाले एड्रेस पे जो है जो एड्रेस आप इसमें डिफ़ॉल्ट में सेट करे रहेंगे उसी पे डिलीवर किया जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद दोस्तों अब मुझे इसी एड्रेस पे जो है अपने इस प्रोडक्ट को जो है डिलीवर कराना, तो मैं यहाँ पे डिलीवर टू दिस एड्रेस पे क्लिक कर दूंगा। अब इस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे हमारे सामने इस तरह का पेमेंट का ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट पेमेंट मेथड। अब हम इसको स्क्रॉल करते हुए इस तरफ देखेंगे दोस्तों, मेरा यहाँ पे अमेज़ोन पे UPI है वो भी यहाँ पे सेलेक्ट है। अगर हमें अब देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे हम, यहाँ पे मेरा बजाज कार्ड भी है, अगर हम बजाज कार्ड से भी अपना ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो बजाज कार्ड से भी हमें मिल जाएगा, अगर क्रेडिट कार्ड से भी लेना चाहें तो हमें क्रेडिट कार्ड से भी मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अदर UPI या नेट बैंकिंग पे हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट अगर चाहे तो उसको अभी पेमेंट कर देंगे, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जी अगर आपको यहाँ पे EMI पे लेना है आप यहाँ पे EMI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे EMI पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट EMI ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा फ्रेंड तभी जो है EMI का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो अपना यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप उसको बुक कर देंगे। जैसे कि अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट जब आपके पास आए आपको अगर उसी समय पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी या पे ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक बार अपने आपके ऑर्डर की जो पूरी समरी दिखाई जाएगी, आपका एड्रेस दिखाया जाएगा, टोटल पेमेंट दिखाया जाएगा, पेमेंट का मेथड आपने क्या चूज़ किया वो दिखाया जाएगा, इसके बाद फ्रेंड डेट दिखाई जाएगी, इसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी हमारा जो ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया है ऑर्डर प्लेस्ड थैंक यू, यानी कि मेरा जो ऑर्डर हमने बुक किया अब हमारा ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। जिस भी डिलीवरी डेट में दिखा रहा था हमारे एड्रेस पे दोस्तों एज ए कुरियर के माध्यम से ये डिलीवर कर दिया जाएगा। और मैंने यहाँ पे पेमेंट का मेथड जो है कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया, तो हमारा जब प्रोडक्ट मुझे मिलेगा मैं उसी समय जो है उसको पेमेंट करूँगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उसको EMI पे लेना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया आप वहाँ पे उसका जो है टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, आपको कितने समय के लिए EMI लेना है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, दोस्तों आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन EMI में सेलेक्ट करके आप उस तरह से अपना जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।